भैंसों के धान खरीदी में सनत यादव को धान जीरो शॉर्टेज होने की वजह से बदल दिया गया, लेकिन इस बार यहां पंचम दास वैष्णव को प्रभारी बनाया गया है। लेकिन पंचम दास वैष्णव नाम का ही प्रभारी है, वह केवल केंद्र में बैठा रहता है। सारा काम सिस्ता प्रबंधक सनत यादव के द्वारा ही किया जाता है। यहां सनत यादव का भतीजा भैया साडू का भी सहयोग लिया जाता है। उपार्जन केंद्रों में किसान के जेब में डाका 300 से 500 तो तभी होगी धान की तौलिक। धान खरीदी इन दिनों पूरे शबाब पर है, लेकिन जिले के अधिकांश धान खरीद केंद्रों में प्रभारी की मनमानी खुलेआम चल रही है। वह लोग किसानों से तोला से ही अन्य कामों के लिए अवैध वसूली करने में भी नहीं चूक रहे हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि कई गांव में उपार्जन केंद्र प्रभारी किसानों से 200 अतिरिक्त ले रहे हैं। पामगढ़ ब्लॉक के भैंसों धान खरीदी केंद्रों सहित कई गांवों के किसान धान बेचने पहुंचे हैं। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में किसान धान बेचने पहुंचे थे, जहां बारी बारी से तोल कराने के लिए केंद्र में एक युवक के पास किसानों को भेजा जा रहा था। वह युवक के पास किसान खुलेआम पैसे की मांग करता है, किसान 200 रुपए निकाल दे तो बोला कि इतने में नहीं होगा, पर समाधान को वापस ले जाओ, फिर 300 दिया तो अब ठीक है जाओ बोला गया। इसी तरह की अवैध वसूली लगभग सभी किसानों से खुलेआम की जा रही थी। किसान विरोध करते हैं तो धान की तोल नहीं करते, बहानेबाजी कर बैरंग लौटा देते हैं, जैसे ही किसान पैसा देते हैं सब ठीक हो जाता है। ऐसा मंडी के अभी मीडिया के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ धान को तोलने के एवज में जो है राशि ली जा रही है करके, और इसके संबंध में जांच करके वस्तु स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को जो है अवगत कराया जाएगा, और ताकि जो है संबंधित के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा सके।